दोस्तों, आप कहाँ पर भी रहते हो लेकिन आपके आसपास में ऐसा एरिया ज़रूर होगा जहाँ पे पानी भर जाता है और बारिश में वैसी जगह से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चीज़ों से कैसे निपटा जाए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पूछते हैं कि सर, वाटर लॉग यानी कि जहाँ पर पानी भर जाता है वैसी जगह पर बाइक कैसे चलाए। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। जब गर्मी होती है तो हम लोग जो है वो बारिश का वेट करते हैं, और जब बारिश आता है तो अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। सबसे पहले तो पुअर विजिबिलिटी, दूसरा उसके साथ आते हैं खड्डे, और तीसरा जो है इसके साथ आता है वाटर लॉग एरिया यानी कि बहुत सारे जगह पर जो है वो पानी भर जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे जगह पर आप ज़्यादा स्पीड में बाइक मत चलाओ। ये अलग बात है कि जब आप ऐसी जगह पे ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते हो तो पानी जो उड़ता है और उसका मज़ा जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के बीच में कहीं पे पोर्ट होल्स होते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा चीज़ जो है वो कभी मैन होल होते हैं यानी कि जो वेस्ट होता है या ड्रेनेज पाइप जो होता है वो कहीं से खुला होता है, जिसके वजह से आपको पता नहीं चलता पानी के अंदर और आप गलती से जाके उसके ऊपर गिर सकते हो। ऐसा करने से सिर्फ आप अपने लिए या अपनी बाइक के लिए नहीं, पर उसके अलावा और भी अदर व्हीकल्स हैं जिनके लिए जो है वो आप डेंजर बन सकते हो। तो प्लीज़ ऐसी जगह पे आप ज़्यादा स्पीड में बाइक मत चलाओ। एक और बात जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी जगह से जा रहे हो और जहाँ पे आपको जो है वो पानी भरा हुआ दिख रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू बी इन सेंटर लाइन, यानी कि जो है वो आप सेंटर लाइन से चलाओ। उसका रीज़न ये होता है कि रोड जो है इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिनको थोड़ा सा टिल्टिंग रख के जो बनाया जाता है, जिसके वजह से जब भी कोई पानी गिरे तो वो हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चला जाए। तो आप जो है वो हमेशा अपना व्हीकल जो है उसको सेंटर लाइन से चला सकते हो, जिसके वजह से वहाँ पे कम पानी रहेगा और आप इजीली जा सकते हो। दूसरा चीज़ है वो ये है कि आपको उसी सेम जगह पे आपको एक ऑप्टिमम स्पीड में जो है अपना व्हीकल चलाना है, यानी कि आपको हद से ज़्यादा स्पीड में भी बाइक नहीं चलाना है, आपको एक लेवल स्पीड रखते हुए मेंटेन करते हुए चलाना है। और अगर आपके आगे कोई व्हीकल जा रहा है तो उसके टायर को देखो और उसके हिसाब से फॉलो करो, क्योंकि अगर वो खड्डे में गिरा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से नहीं जाना, थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट से आप निकल सकते हो। ऐसे रास्तों से निकलना अवॉइड ही करो जहाँ पे आप पानी जो है वो आपके साइलेंसर के हाइट के ऊपर से बह रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप कितना भी ट्राई कर लो पानी जो है आपके साइलेंसर के अंदर चला जाएगा, और उसके वजह से ये होगा कि वो आपके इंजन में एंटर करेगा, और एंटर करने के वजह से हो सकता है कि मे बी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए और ऐसा कॉस्टली डैमेज आपको भरना पड़े। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी वाटर लॉग एरिया में से बाइक चलाने के बाद आपको क्लेम नहीं देगी, तो ये जो है वो खर्चा आपको अपने जेब से ही करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, और बहुत सारी बाइक्स ऐसी भी आती है जिनका साइलेंसर नीचे होता है, तो प्लीज़ जो है आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाइक चलाओ। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे जहाँ पर आपको पानी है लेकिन आपको निकलना ही है, तो वैसे सिचुएशन में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका एक्सेलरेशन जो है उसको आप प्रेस करके ही रखो। उसका रीज़न यह है कि जब तक आप एक्सेलरेशन देते रहोगे तब तक जो है वो पानी आपके इंजन के अंदर नहीं जा पाएगा और आप इजीली निकल जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा साथ में कि आपको जो है वो फर्स्ट या सेकंड गियर में जो है वो बाइक को रखना है, और ट्राई करो जितने हाई रेव्स यानी कि हाई एक्सेलरेशन पे आप बाइक चला सको। उसके वजह से ये होगा कि आपके इंजन जो है वो कंटिन्यूसली वर्किंग करते रहेगा, जिसके वजह से स्मोक प्रोड्यूस होगा और आपके वो साइलेंसर के जरिए वो बाहर चला जाएगा, तो पानी जो है वो आपके इंजन में नहीं जा पाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बाइक जो है ऐसी जगह पे पार्क है और वहाँ पे पानी भर गया है तो आप प्लीज़ जो अपने इंजन को जो है वो स्टार्ट करने का कोशिश भी मत करिए। उसका रीज़न ये है कि आपके इंजन के अंदर पानी चला जाएगा और उसके वजह से आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसी जगह पे जहाँ पे आपका बाइक जो है वो पार्क है ऑलरेडी पानी के अंदर, या फिर पानी आपके इंजन के लेवल के ऊपर से जा चुका है, तो आप वहाँ पे बाइक को जो वो स्टार्ट मत कीजिए, पानी को थोड़ा नीचे उतरने दीजिए, और मे बी हो सके तो किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाने के बाद ही बाइक को चालू करना। अच्छा, अभी जो है मैं एंडिंग में आपको दो टिप्स दूंगा जो कि सबसे पहले आपको करना चाहिए कि अगर आप कहीं से जा रहे हो और आपने देखा कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो प्लीज़ ट्राई करो हो जितना हो सके उतना उस रोड को अवॉइड करने के लिए और दूसरे रोड से जाने के लिए। उसका रीज़न यह है कि अगर आप ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम में फंस गए तो वहाँ पे आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरा जो चीज़ है वो हमेशा याद रखो कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद बारिश कम हो जाएगा, पानी जो है वो चला जाएगा, फिर जो है आप इजीली उस रास्ते से जा सकते हो अगर आपके पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं है तो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई अगर आपके आगे कार जा रही है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो इट, बिकॉज़ ये होगा कि जब भी आप उसके पीछे पीछे जाओगे तो अगर वो कहीं से भी किसी भी चीज़ प्रॉब्लम में आएगा तो आपको पता होगा कि वो जो है वहाँ पर खड्डा है या वहाँ पर वो व्हीकल अटक गया है, तो आप जो है वहाँ से नहीं निकल सकते। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जो कि आप फॉलो करोगे। टाटा एंड बाय बाय।